अल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे जी। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे जी। आज की वीडियो जो है वो करते हैं जी कंटिन्यू। वीडियो बहुत ही अच्छी होने लगी है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कहीं नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले जी हम आपको बता दें, जो हम बनाने लगे हैं वो है जी 1.5 kg जो है हम चावल बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप कहने चिकन पुलाव बनाएंगे हम, ठीक है। तो बनाना बिल्कुल आसान है। तो मैंने इसमें जो है 3 कप जो है वो कुकिंग ऑयल के वो मैंने ऐड कर दिए हैं जी। अभी थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे और प्याज सामने देख सकते हैं, प्याज और ग्रीन चिली और शिमला मिर्च कैप्सिकम जो आती है मैंने वो उनको काट लिए, ठीक है। तो वो मैंने धो के रखी हुई हैं। अंदर हम सारे के सारे जो प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिए वो डाल देंगे। इसको थोड़ा सा गोल्डन कर लेते हैं अच्छे से। हमारा प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो गए। अभी हमने चिकन डाल दिया इसके अंदर। चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे जी। और दूसरी तरफ बना रहे हैं जी जैसे चिकन कढ़ाई, वो तो हम काफ़ी दफ़ा चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, लेकिन चिकन पुलाव नहीं था तो इसलिए आज उसकी रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। हमारा चिकन जो है वो भी उस तरफ भून रहा है अच्छे से, और हम जो ये वाला चिकन भी इसके अंदर डाल देंगे जी। माशाल्लाह चिकन की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। इसके ऊपर लिड लगा देंगे और इसको पकना छोड़ देंगे जी, ताकि अच्छे से गल जाए, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हमारा चिकन जो अच्छे से भून चुका है। एक प्लेट दही की लेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे जी बिरयानी मसाला। तो इसके अंदर जी हम डाल देंगे दही और बिरयानी मसाला जो मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा माशाल्लाह से। एक चम्मच बड़ा भर के एंड हाफ कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च 1 चम्मच एंड हाफ से भी कम, और जो है 3 चम्मच बड़े भर के सॉल्ट के, जीरा पाउडर 3 चम्मच हम खाने का जो है इसके अंदर डालेंगे जी सब्ज़ चिली, तो हमारा चिकन और अच्छे से गल चुके। इसके अंदर जो हम डाल देंगे 1 और 2, पानी को बॉयल आने देंगे और इसके अंदर कुछ चावल ऐड कर देंगे जो हमने बनाए हैं, भिगो कर रखे हुए हैं जी आपके सामने ये रहे। हाँ, चावलों में जो है बॉयल आ चुका है पानी में। अभी हम इसके अंदर जी चावल डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे के सारे। और चावलों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जो खुशबू आ रही है ना वो तो कमाल की है, बहुत लज्जत वाले आज हमारे चावल जो हैं माशाल्लाह तैयार होंगे। तो अभी इसके ऊपर लगा देते हैं जी लीड इसका, और थोड़ी देर के बाद इसको हम चेक कर लेंगे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेट करते हैं जी कुछ देर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम शिमला मिर्च जो है वो डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। जब चेक करेंगे दोबारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी पीछे से अजान हो रही है। एक दफ़ा चावलों को चला लिया हमने। के लिए हमारे चावल जो है माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अभी हम इसको दम लगा देते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन जो है 3 मिनट के बाद जो इसका फ्लेम जो है इसका बिल्कुल बंद कर देंगे और हमारा जो दम है अच्छे से आ जाएगा। 20 मिनट हो गए हैं, इसका ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू तो कमाल की है। तो अभी इसको हम जी अच्छे से हिलाते हैं। चावल जो है अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, इस तरह से बहुत अच्छे हो जाते हैं मिक्स।
अच्छे से हो जाएंगे। खाओ तो वाह यार कमाल, जबरदस्त, गुड, अमेजिंग, जबरदस्त यार। आपने ऐसा करें, इसको ना एक साइड पे लगा दें इस तरह, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। आज की हमारी रेसिपी आपके सामने बिल्कुल रेडी है जी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इस रेसिपी के साथ इस रेसिपी को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। शेफ बिलाल के साथ अल्लाह हाफिज़।